नमस्कार आप देख रहे हैं बेस्तक मैं रजत देवगन कल वीकली एक्सपायरी वाले दिन पहले ही बुल्स की कमर टूट गई थी तो आज तो कांपते कांपते शुरुआत हो रही थी क्योंकि अमेरिकन मार्केट से भी संकेत बेहद कमजोरी की तरफ इशारा दे रहे थे सवा 2 से सवा से पिछले सत्र में अमेरिकन धड़ाम हो गए थे कॉन्फिडेंस तो वैसे ही हिला हुआ था आज शुरुआती सत्र में बाजार में उठापटक ज्यादा देखने को मिल गई आज ओपन हुए अठारह के लेवल पे उसके बाद कुछ हिम्मत जुटाई तो अठारह तक की रिकवरी दिखाई देगी लेकिन फिर हुए वाइल्ड स्विंग्स बहुत जबरदस्त उठापटक आज मार्केट पे थी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं थी ये पता लग रहा था कि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और बुल्स सरेंडर कर गए दिन का लो लग गया अठारह जी हां आज अठारह का लो है आज के दिन की क्लोजिंग है अठारह की 145 अंक साफ हो गए निफ्टी पे आज फिर से और निफ्टी बैंक दो पॉइंट्स अठहत्तर की गिरावट के साथ हुआ है बंद सेंसेक्स 460 अंक गवाता हुआ नजर आया दबाव था टीसीएस इंफोसिस एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज जो दिग्गजों की पिटाई हो रही है ना पिछले कुछ दिनों में वो नहीं संभाल पा रही है बाजार के किसी भी तेजी को हायर लेवल्स पे कोई भी उछाल आता है तो ट्रेडर्स करते हैं बिकवाली अच्छा कुछ निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 20 दिन की औसत के नीचे है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग ठीक वैसे ही नहीं समझी जाएगी अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि पिछले तीन हफ्तों से 18,345 से अठारह के स्तर को बचाया हुआ था निफ्टी ने वो तोड़ दिया आज तो एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया बाजार का ये टेंशन पैदा कर रहा था दिसंबर में अब तक लगभग ढाई परसेंट टूट चुका है निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते हमने दिसंबर में गिरावट देखी है 18,400, 18,500, 18,600 इन तमाम स्ट्राइक्स के कॉल राइटर्स जमकर बिकवाली कर रहे हैं हायर लेवल्स पे कोई भी उछाल आया है आ रहा है तो बाजार को टिकने नहीं दे रहे हैं ऊपर आती है बिकवाली आज बाजार में चौतरफा बिकवाली हो गई शुगर सेक्टर को छोड़ के बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं नजर आ रहा था जहां पर कुछ फायर हो रहे हो सब पिटे पीएसयू बैंक में मुनाफा वसूली थी ऑटो रियल्टी फार्मा सबसे ज्यादा टूटे हैं तो मूड सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है और इसमें मेजरली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो कमेंट्री आई है वही कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर रही है एडवांस रिलायंस निफ्टी के आज हिम्मत करके जो स्टॉक चढ़े वो थे पांच पांच शेयर हरियाली में बंद हुए हैं पैंतालीस आज लाल हम लाल थे ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली निफ्टी गेनर्स में आज टाटा मोटर्स को पाएंगे डेढ़ परसेंट के करीब उछला है एच यूएल नेस्ल एच डी एफ सी बैंक और यूपीएल जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली हल्की खरीदारी लेकिन जो गिरावट थी उसमें था अदानी पोर्ट्स एम एन एम दोनों स्टॉक्स ढाई परसेंट से पौने तीन परसेंट लुढ़क गए बीपीसीएल एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र पे दबाव दिखाई दे रहा था दो परसेंट से ज्यादा की गिरावट है अब ये देखिए आप गिरावट में आपको डॉक्टर रेड्डीज दिखाई देगा और तेजी वाले में आपको टाटा मोटर्स दिखाई देगा वो इसलिए क्योंकि सेंसेक्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है आज की क्लोजिंग से लेकर यानी कि 19 दिसंबर को इंप्लीमेंट हो जाएगा सेंसेक्स में बदलाव हुआ क्या है कि टाटा मोटर्स सेंसेक्स में शामिल हो गया है और डॉक्टर रेड्डीज को उसने रिप्लेस कर दिया है डॉक्टर रेड्डीज बाहर होगा सेंसेक्स से टाटा मोटर्स शामिल हो गया है तो ये उन्नीस दिसंबर से लागू हो जाएगा बदलाव एफेनो गेनर्स में आज बलरामपुर चीनी का नंबर आया शुगर सेक्टर तो खैर आज धमाल मचाए हुए था बलरामपुर चीनी चल गया दो परसेंट को फोर्ज कोलगेट टाटा मोटर्स और पीवीआर में हल्की खरीदारी दिखाई दी लेकिन जहां गिरावट थी वो था पॉली कैब साढ़े सात परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली पीएनबी ग्लैनमार्क बी चार परसेंट से ज्यादा लुढ़क गए इंडिया सीमेंट और मेकडॉवल जैसे स्टॉक्स भी धड़ाम हो गए चार के आसपास सरकारी बैंक जो बहुत उछल कूद मचा रहे थे छोटे मझौले सरकारी बैंक बहुत फर्राटर रफ्तार से भाग रहे थे आज मुनाफा वसूली की चपेट में थे सेंट्रल बैंक पांच परसेंट से ज्यादा टूटा है महाराष्ट्र बैंक पांच परसेंट ज्यादा टूट गया यूनियन बैंक पांच परसेंट टूट गया पीएसबी आईओबी जैसे स्टॉक साढ़े चार परसेंट से पांच परसेंट नीचे बंद हुए हैं पीएनबी में मुनाफा वसूली इसे चार परसेंट नीचे ले आई ऑटो स्टॉक्स आज रिवर्स गियर में थे जिसमें एम एन एम ढाई परसेंट टूटा है सोना कॉम स्टार दो परसेंट से ज्यादा टूटा है बॉश अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो दो से सवा दो परसेंट नीचे हुए हैं बंद रियलिटी स्टॉक्स का मूड खराब हुआ प्रेस्टीज पांच परसेंट से ज्यादा लुढ़क गया ओवरऑल रियलिटी चार परसेंट फिसल गया शोभा डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स भी डेढ़ परसेंट से दो परसेंट साफ हो गए फार्मा में ग्लेनमार्क सबसे ज्यादा टूटा चार परसेंट इसके अलावा ग्लैंड फार्मा तीन परसेंट नीचे बंद हुआ ल्यूपिन ग्रैन्यूल्स की हालत टाइट थी डॉक्टर रेड्डीज बायोकॉन दो परसेंट नीचे आईटी स्टॉक्स में परसिस्टेंट साढ़े तीन परसेंट फिसला है एम्फेसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स दो से सवा दो परसेंट हल्के हुए हैं एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज विप्रो और इन्फोसिस ने भी आज दबाव इन स्टॉक्स पर देखने को मिला है एक सेक्टर जो गिरते बाजार में चमक गया और जोरदार तेजी थी वो था शुगर शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों में जो मिठास देखने को मिली है ताबड़ तोड़ भाग्य आज के सत्र में और खबर यहां पर ये थी कि हो सकता है कि सरकार चीनी क्षेत्र के लिए एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा दे ये खबर जो थी ये ड्राइव कर गई स्टॉक्स को ड्राइव क्या कर गई स्टॉक बीस बीस चढ़ गए आज राष्ट्रीय शुगर 20 परसेंट उचला है सिम्भली शुगर 20 परसेंट चढ़ गया शक्ति शुगर 20 परसेंट इसके अलावा उगड़ शुगर 17 परसेंट चढ़ा है मवाना शुगर 16 परसेंट सूची बहुत लंबी है अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी शुगर सेक्टर में गिरते बाजार में पकड़ बहुत मजबूत की मिड कैप गेनर्स में आज ईपीएल चौदह चढ़ता हुआ नजर आया एन एफ से ज्यादा चढ़ा है नवा नौ चढ़ा है टेक्नोलॉजी लगभग साढ़े पांच परसेंट चढ़ा है कल्याणकुंज ज्वेलर्स और साथ ही साथ रेमंड ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो साढ़े पांच परसेंट चढ़ते हुए नजर आ इस हफ्ते एम की भी पकड़ अच्छी थी आज के सत्र में भी पांच परसेंट मजबूत बंद हुआ लूजर्स की सूची में जी एम एम फॉर्डलर में प्रमोटर्स हिस्सा बेचने हैं ये खबर थी ब्लॉक डील के जरिए ये आज तगड़ी ब्लॉक डील भी हुई स्टॉक में आज पंद्रह नीचे बंद हुआ पॉलिकैब साढ़े टूट गया है डिश टीवी एच जी इंफ्रा पी हाउसिंग और साउथ इंडियन बैंक छह से सात के आसपास टूटते हुए नजर आए ये हफ्ता इनफैक्ट पिछले दो हफ्ते से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है लेकिन इस हफ्ते बाजार में जो रिटर्न आए उसमें निफ्टी पे माइनस का रिटर्न बैठा निफ्टी बैंक भी साफ हुआ है लगभग एक परसेंट हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है लेकिन जो हम सेंटर रैली की बात कर रहे थे वो थोड़ी फिजल आउट होती हुई नजर आई है अब देखते हैं सेंटर रैली बनती है कि नहीं लेकिन अभी के संकेत टेक्निकल हिसाब से थोड़े कमजोर पड़ गए देखिए अब आगे क्या होगा Uh, इस गिरावट का मुख्य कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकदम से हायर लेवल पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसमें सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री ये मुख्य कारण बन गया सेंट्रल बैंक्स ने जो ब्याज दरों का आउटलुक पेश कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया है कि अभी तो भैया 2023 में हो सकता है ब्याज दरें हायर लेवल्स पर एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रहें चाहे आप अमेरिका में देख लो यही कमेंट्री दिखाई दी आपको इसके अलावा ई ने ये कमेंट्री कर दी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कुछ ऐसी सी कमेंट्री कर दी तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का वो हिला और बुल्स की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई तो देखते हैं ऐसी इस चुनौती से कैसे निपटता है बाजार अगले हफ्ते एक और ट्रिगर है गुरुवार को अमेरिका के क्वार्टर थ्री जी नंबर्स रिलीज हो जाएंगे ये फोकस में रहेगा अच्छा प्राइमरी मार्केट पर भी हलचल बहुत तेज रहेगी जिसमें के फिन टेक्नोलॉजीज और एल इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ खुलेंगे अगले हफ्ते सुला विनयार्डस की लिस्टिंग होगी इसके अलावा अबंस होल्डिंग्स और लैंडमार्क्स कार्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि इनकी लिस्टिंग होनी है इस हफ्ते जैसे उन्हें बताया कि बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक आउट हुआ है हायर लेवल्स पे थोड़े ट्रैप होते हुए नजर आए हैं बिकवाली का जोर ज्यादा था और ये थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली हो गई और मुख्य कारण जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल बैंक की कमेंट्री ही पड़ गई निफ्टी पर अब इंपॉर्टेंट क्या है टेक्निकल लेवल्स नोट कर लीजिए अगला जो सपोर्ट जोन बैठता है वो हो सकता है 18,080 से 18,150 के जोन बैठे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है आप ऑप्शंस में भी देखोगे तो अट्ठारह की स्ट्राइक पर आपको तगड़ी पुट राइटिंग देखेगी पुट में जो खुले सौदे हैं उनका जमावड़ा अट्ठारह हज़ार के स्तर पर बहुत ज्यादा है तो ये तो एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए कि अगर यहाँ पर टकराए या फिर इससे सौ पॉइंट ऊपर भी रह गए तो एक बाउंस बैक का जो चांस है वो बाजार पर डेफिनेटली बनता है जब तक अट्ठारह के लेवल के नीचे रहेंगे तब तक बियर्स हावी रहेंगे यानी कि बुल्स का कॉन्फिडेंस उतना है नहीं अगर 18500 के लेवल के ऊपर टिके तो जाके कहेंगे कि हाँ बुल्स धीरे धीरे करके पकड़ मजबूत कर सकते हैं लेकिन जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी का और जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस ब्रीच हुई हैं शॉर्ट टर्म एवरेज तो उसके कारण हम कह रहे हैं कि 18,500 के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन बाजार में करिश्मा होता है सबको पता है अगर कोई सेंटा रैली बननी हुई तो देखते हैं सपोर्ट जोन्स टेस्ट करके एकदम से बाउंस करते हैं कि नहीं लेकिन ग्लोबल मूड माहौल को देखना होगा मैं फिर कह रहा हूँ अठारह के लेवल के नीचे हम कमज़ोर हैं और जब तक अट्ठारह हज़ार के लेवल को होल्ड करे हुए हैं तब तक हो सकता है कि कुछ उम्मीद रहे यह सपोर्ट जोन है मार्केट का बाजार में इस हफ्ते बिकवाली डेफिनेटली हावी होती हुई नजर आई